हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल कुक समथिंग टेस्टी में, जहाँ पे आज हम बहुत ही इजी सी और टेस्टी सी बर्फ़ी बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट होने वाली है फ्रेंड्स। और इस बर्फ़ी को ना आप व्रत में भी खा सकते हो क्योंकि ये उपवास के लिए भी है फ्रेंड्स। आप उपवास में इसे, क्योंकि सावन चल रहा है और बहुत से लोग पूरा सावन व्रत रखते हैं, तो ये जो आप बर्फ़ी देख रहे हो ना, ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स। और ये काफ़ी टेस्टी और सॉफ्ट बनी है और इसे खा के ना आप लोगों को और कोई बर्फ़ी की याद नहीं आने वाली है, इतनी अच्छी बर्फ़ी बनती है फ्रेंड्स। और इसे हमने मखाना से बनाया है क्योंकि मखाना जो है आप लोग व्रत में खा सकते हो। काफ़ी सारी रेसिपीज़ जो हैं वो मखाना से बनाई जाती हैं, रायता भी बनाया जाता है फ्रेंड्स। और मैंने चैनल पर अपलोड करूंगी मैं मखाना की जो चाट होते हैं, रायते की रेसिपी, जो आप लोग ना व्रत में भी खा सकते हो। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कटोरा देखिए भर के 150 ग्राम के आसपास ये मखाने थे मेरे पास, ये मैंने लिए थे। और फ्रेंड्स इन मखानों को हमें क्या करना है, इनको हम देखिए ये क्या होता है कि ये इस तरीके से होते हैं, ये नरम होते हैं बिल्कुल, देखिए इस तरीके से। तो इन्हें हम मिक्सर ग्राइंड में पीसेंगे, उसके लिए हमें इन्हें थोड़ा सा रोस्ट करना है यानी कि भून लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पैन मैंने रख लेता गैस के ऊपर और हमारे जो मखाने हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और फ्रेंड्स इनको ना हल्का हल्का चलाते हुए लो फ्लेम पर आपको इनको चलाना, क्योंकि काफ़ी तेज़ फ्लेम करेंगे तो क्या होगा कि ये जल सकते हैं, कलर चेंज हो सकता है। तो आपको यहाँ पर हल्के हाथों से देखिए इस तरीके से इसको चलाते रहना है और लो फ्लेम पर आपको इन्हें पकाना है। और जो फ्रेंड्स मखाना होता है ना, हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि जब किसी के बेबी होता है या वैसे भी किसी को कमजोरी वगैरह होती है तो मखाने का खाने के लिए बताया जाता है, डॉक्टर बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको पका लिया था, तो देखिए अच्छे से क्रंची हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पर थोड़े से काजू रखे हुए, तो काजू भी मैंने डाल लिए ताकि अच्छा सा टेस्ट आए और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएँ। तो इसके लिए हम थोड़ा सा काजू को भी यहाँ पर भून लेंगे ताकि ये भी थोड़े से क्रंची हो जाएँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं काजू को भून लेती हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर काजू को भूनने के बाद मेरे जो मखाना थे उनको मैंने देखिए यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल लिया है और काजू थे वो भी हमने डाले। अब हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से हम लोग यहाँ पे ग्राइंड कर लेंगे और ये काफ़ी आराम से पिस जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला क्योंकि काफ़ी अच्छे से क्रंची हो चुके थे। अब देखिए यहाँ पर ये काफ़ी जो इसका पेस्ट था वो बन चुका, सॉरी फ्रेंड्स इसका पाउडर बन चुका है, देखिए इस तरीके से बिल्कुल बारीक पाउडर हमें इसका बनाना है। तो इसका पाउडर तो बन के रेडी हो चुका, बाकी का काम हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो पैन को वापस मैंने गैस के ऊपर रख लिया है और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं लूँगी 2 कप दूध के। तो देखिए दूध डलेगा तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, तो ये दूध से ही बनाया जाता है। और अगर चाशनी से जो इसकी वीडियो फ्रेंड्स वो जो बर्फी है वो बनेगी, वो मैं वीडियो उसका बनाऊंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे दूध से मैं मिठाई बना के आप लोगों को दिखाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी आगे कोई भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको चाशनी से हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1/2 कप यहाँ पर चीनी लिया है, ये नॉर्मल चीनी होगी, अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं ना फ्रेंड तो आप क्या करें 3 से 4 चम्मच इसके अंदर और डालें। अब जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाते यानी कि घुल नहीं जाती हमारी चीनी इसके अंदर, तब तक हमें इसको अच्छे से चला लेना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसको चलाते चलाते मुझे काफ़ी टाइम जो है वो हो गया था और हमारी चीनी जो अच्छे से घुल चुकी थी। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था क्योंकि हम इसके अंदर जो हमारा पाउडर है वो डालेंगे, अगर तेज को हम सॉरी गैस को चला के रखेंगे तो गुठलियाँ बन जाएगी। तो गैस को बंद करके इसको अच्छे से इसके अंदर जो फ्रेंड्स इसका अच्छा सा हम एक पेस्ट बना लेना है इसको घोल घोल करके, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ ना पड़े। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी और फ्रेंड्स इसके अंदर ऐड करते हुए देखिए बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। तो गुठलियाँ मेरी जो मैंने ही पेस्ट बनाया था उसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनी थी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके, आप लोगों को वीडियो पसंद आता तो मेरे चैनल पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं फ्रेंड्स वो डाली हुई, तो कोई भी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है, आप कोई भी रेसिपी ऐसी चाहते हैं जो अपने चैनल पर बनाऊँ आप लोगों के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। तो गैस को मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया है और अब हम इसको चलाएँगे और तब तक हम इसके मतलब इसका एक डो के तरीके से नहीं हो जाए, पैन को नहीं छोड़ने लग जाता, एक डो के तरीके से नहीं हो जाता। तो देखिए इसको चलाते रहेंगे इस तरीके से और पैन को ना हल्का हल्का छोड़ना है, स्टार्ट कर देगा और चलाते चलाते फ्रेंड्स देखिए ये इसने जो है पैन को इस तरीके से छोड़ दिया। देखिए काफ़ी गाढ़ा जो है ये हो चुका है, तो यानी कि ये रेडी हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स अब आपको लगे कि इस तरीके से आपका जो है पेस्ट जो था हमारा मखाने का वो हो चुका है। तो आपको यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और देखिए एक अच्छे से देखिए इकट्ठा करें तो एकदम से इकट्ठा हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, गैस को बंद कर दिया था और यहाँ पे एक बर्तन के अंदर मैंने घी लगा लिया था। अब इसके अंदर हमारा जितना भी है मिक्सचर फ्रेंड्स वो हम निकाल देंगे और यहाँ पर हाथों पर घी लगा के, अगर आपके पास स्पैचुला है आप उससे भी इसको अच्छे से जो है फैला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर घी लगा के हाथों पर फ्रेंड्स और मैंने इसको अच्छे से फैला लिया था देखिए यहाँ पर, तो अच्छे से हाथों पर घी लगाएँ और घी लगा करके इसको अच्छे से
पका ले और आराम से करें, हाथ को ना जलने दे, कहीं आपका हाथ ना जल जाए। तो देखिए अच्छे से सेट हो चुका है। सेट होने के बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पिस्ता और बादाम कट किए हुए ताकि गार्निशिंग कर सके और भी अच्छी लगी हमारे मीठा खाने में भी, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आए। तो सारी चीज़ें देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर हेल्दी हो गई हैं और व्रत में इसीलिए इसको खाया जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है और भूख भी नहीं लगती जल्दी से। तो सारे जो हमारे बादाम और पिस्ता थे ना फ्रेंड्स वो मैंने देखिए इसके ऊपर अच्छे से फैला लिए। अब हाथ से इनको थोड़ा सा ना दबा देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए हमारी बर्फ़ी के ऊपर। तो अभी यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से दबा दबा के मैं इसको सेट कर लूँगी। और फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसको ना हमें ठंडा होने के लिए रख देना है एक तरफ ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद हम इसे कट करेंगे ना तो हमारी बर्फ़ी जो है काफ़ी अच्छे से सेट भी हो जाए, काफ़ी अच्छे से निकल के आएगी। तो यहाँ पर सारे जो हमारे बादाम वगैरह थे वो हमने इसके ऊपर लगा दिए थे, अब हम इसको रख देंगे सेट होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये अच्छे से सेट हो गई थी, ठंडी हो गई थी, और अब मैं इसको कट कर लूँगी देखिए इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में। और देखिए इसको हमने कट कर लिया है और काफ़ी अच्छे से जो इसके पीस हैं फ्रेंड्स वो निकल के आए थे देखिए, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगी मुझे तो ये, और मेरी फैमिली में भी सबको बहुत पसंद आई, मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई देखिए। और एकदम सॉफ्ट है फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल भी कोई ये नहीं है कि टूट नहीं रही है का, एकदम आराम से टूट जाती है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आती है फ्रेंड तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।